वेलकम टू द व्लॉग। आज हम देखने वाले हैं कि आम की कच्चे आम की चटनी कैसे बनाते हैं। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो आप लोग देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो पहले तो हमने लिया है धनिया, ये धनिया है, ये मिर्च है, छोटी छोटी हरी मिर्च है, छोटी छोटी उंगलियों जितनी कट किए हुए है। और इसमें हमने डाले नमक स्वाद अनुसार, ये शक्कर है, ये आम के टुकड़े हैं छोटे छोटे, वो आम छिल के लिया है हमने, ये कच्चा आम है, आप देख सकते हैं ये कच्चा आम है, ये थोड़ा सा पका हुआ था तो उससे ये लहसुन की कुड़िया है, तो लहसुन की कुड़िया कहते हैं इसको हम, और इसमें डाला है। और ये क्या है, ये जीरा भी डाला हुआ है इसमें। तो चलिए अब हम इसको पीस देते हैं। और ये जो ये आप देख रहे हैं, ये नारियल है, नारियल पिसा हुआ है हमने लिया है, ये नारियल पिसा हुआ है। तो ये दो आम की चटनी बनाने वाले हैं हम अभी, तो इसमें इतना डाला है। चलिए इसमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये खराब हो जाता है जल्दी, तो पानी मत डालिए इसमें, ऐसे ही पीसते रहिए। चलो देखते हैं, देखिए कैसे पीसी है हमने ये, और इसे और छोटे बनाना है, ये थोड़ा और बड़ा हो रहा है, जाड़ा जाड़ा लग रहा है, तो और थोड़ा पीसेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिए, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाती है चटनी, पानी मत डालिए, बिना पानी के ही पीसना है हमें। तो अभी ये हमारी चटनी बन चुकी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनी है ये चटनी। देखिए ये हमने पीस दी है पूरी, और अभी इसको हम एक भांडे में निकालेंगे। तो चलिए भांडा लेके इसमें से किस में बैठेगा, ये इसमें भी नहीं, तो हम इसमें निकालेंगे, तो इसको वापस रख देते हैं, ये रख दिया, अभी हम इसको इसमें निकालेंगे, कैमरा एडजस्ट करेंगे पहले। चलो Thank you.
और है इसमें और भी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट में बता दीजिए, और शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले जो वीडियोस है, व्लॉग है, वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो बाय।